नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संबोधन में पूनम नौटियाल की बात की गई। इनकी तरफ से शत प्रतिशत वैक्सीनेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी जमकर तारीफ भी की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्हें फोन कर बधाई दी है। आपको बता दें कि ये भेटियारा की मूल निवासी हैं और बागेश्वर में ANM है। तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में पूनम नौटियाल की जमकर तारीफ की थी, उनके काम की सराहना की थी। ऐसे में CM पुष्कर सिंह धामी ने भी फोन कर उन्हें बधाई दी है। पांच नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ दौरे पर आ रहे हैं। PM के केदार दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। केदारनाथ धाम में PM के दौरे को देखते हुए धाम को सजाया सवारा भी जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि करीब 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में करेंगे। वहीं भव्य केदारपुरी का निर्माण भी केदारनाथ में हो रहा है। शंकराचार्य के समाधि स्थल का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। तो 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ का दौरा करेंगे, इसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। ऐसे में केदारनाथ धाम को सजाया सवारा जा रहा है। आपको बता दें कि PM के केदारनाथ दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि करीब 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में करने जा रहे हैं। भव्य केदारपुरी का निर्माण भी केदारनाथ में हो रहा है। शंकराचार्य के समाधि स्थल का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देखिए, हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि अभी पूरी तरह से स्थितियाँ सामान्य हों और उसी काम में हम लोग लगे हुए हैं। लोगों को जल्दी से जल्दी राहत पहुँचे, लोगों की सहायता हो, उस काम को लगातार हमारा जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन अधिकारियों को भी साथ हमने कहा है, लगातार उसके लिए बैठते हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार जिस दिन से भी यहां पर हमारे यहां पर आपदा आई है, लगातार वो स्वयं जो है मॉनिटरिंग वहाँ से भी कर रहे हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं। कल भी उन्होंने दूरभाष पर पूछा था कि राहत कार्य कैसे चल रहे हैं, कितना राहत हो गया है, कितने लोगों की स्थिति है, कितना नुकसान हुआ है। तो लगातार वो हमारे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। माननीय गृहमंत्री जी भी बीच में आए थे और उन्होंने भी कहा है कि जो है हर तरफ वहाँ पर सर्वे की टीम भेजी गई है और उसने पूरा आकलन कर रही है। सर्वे करने के बाद राहत कार्यों में और तेजी आएगी, उसी के लिए बैठक कर रहे हैं। उधम सिंह नगर नानकमत्ता विधानसभा के सैकड़ों समर्थकों ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान नानकमत्ता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद सिंह राणा ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा और अपने करीबी सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अच्छी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है। उधम सिंह नगर में आप में शामिल हुए कांग्रेस के करीब एक दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता। जिस पार्टी में मेरे समर्थकों का सम्मान ना हो, निरादर हो, उस पार्टी में रह नहीं सकता। और आज मैं उस पार्टी से पार्टी में एंट्री कर रहा हूँ जिसके विचार मेरे से मिलते जुलते हैं। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार आपदा में अब तक करीब 72 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं आपदा में 26 लोग घायल हैं, 4 लोग लापता हैं और 224 घर क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। SDRF और NDRF की ओर से लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। तो उत्तराखंड में दैवीय आपदा के बाद हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आपदा में अब तक 72 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, घायलों की संख्या 24 बताई जा रही है, 4 लोग लापता हैं, 200 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यानी कहा जा सकता है कि आपदा से बेहद नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है, जानमाल का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही अभी भी हालात सामान्य होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों उत्तराखंड में लगातार हुई बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति दिखाई दी थी और मंजर बेहद खतरनाक था। सैकड़ों घर तबाह हो गए थे, 72 से ज्यादा लोगों की जान चली गई।
रानीखेत में विधानसभा के विकास खंड में कोरोना काल में अच्छा काम करने वाली 70 आशा कार्यकर्त्रियों को बीजेपी पदाधिकारियों की तरफ से शॉल, ऑक्सीमीटर और मेडल देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा है कि कोरोना वॉरियर आशा कार्यकर्त्रियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को सेवाएं दी हैं। सम्मानित करने वालों में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री, बीजेपी नेता कैलाश पंत, गोपाल दत्त उप्रेती, महेंद्र सिंह अधिकारी, धन सिंह रावत, प्रदीप बिष्ट भी शामिल थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं रानीखेत से, जहां पर आशा कार्यकर्त्रियों को सम्मानित किया गया है। दरअसल उन्हें मेडल दिया गया है, ऑक्सीमीटर दिया गया है, शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। तो रानीखेत में विधानसभा के विकास खंड में कोरोना काल में अच्छा काम करने वाली 70 आशा कार्यकर्ता ये बताई जा रही हैं, जिन्हों को बीजेपी पदाधिकारियों की तरफ से शॉल, ऑक्सीमीटर और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कहा गया कि कोरोना वॉरियर आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी जान को जोखिम में डाला और जोखिम में डालकर लोगों को सेवाएं दी हैं। सम्मानित करने वालों में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री, बीजेपी नेता कैलाश पंत, गोपाल दत्त उप्रेती, महेंद्र सिंह अधिकारी, धन सिंह रावत, प्रदीप बिष्ट भी शामिल रहे। तो खास समारोह रखा गया था। इस दौरान कोरोना काल में बेहतर काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय मुखिया भावना पांडे लालकुआ पहुंची, जहां उन्होंने बीते दिनों आई भारी बारिश के बाद प्रभावित इलाकों के पीड़ित किसानों से मुलाकात की है। लालकुआ के बिंदुखत्ता स्थित इंद्रनगर द्वितीय सहित अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया। बिंदुखत्ता के इंद्रनगर द्वितीय स्थित आपदा पीड़ितों की आर्थिक और घरेलू सामान देकर मदद भी की है। इसी के साथ ही भावना पांडे ने कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि नेताओं ने सिर्फ हवाई दौरे किए हैं, पीड़ितों की कोई मदद नहीं की है। लालकुआ की तस्वीरें आपको बता दें कि आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई भावना पांडे यहाँ पर विपक्ष और सत्ता पक्ष पर बरसती हुई नजर आई हैं। यहाँ पर जो मूल सामान है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं घर में, वो सामान लेकर यहाँ पहुंची थी, लोगों से मुलाकात की है, जो प्रभावित हैं उनसे भी मुलाकात की, हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय मुखिया हैं भावना पांडे, जो लालकुआ पहुंची, जहां उन्होंने बीते दिनों आई भारी बारिश के बाद प्रभावित इलाकों के पीड़ित किसानों से मुलाकात की। लालकुआ के बिंदुखत्ता स्थित इंद्रनगर द्वितीय सहित अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करती नजर आई। बिंदुखत्ता के इंद्रनगर द्वितीय स्थित आपदा पीड़ितों की आर्थिक और घरेलू सामान देकर उन्होंने मदद की है। इसी के साथ ही भावना पांडे ने कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नेताओं ने सिर्फ हवाई दौरे किए हैं और उन्होंने पीड़ितों की कोई मदद नहीं की है। देखिए, मेरी तरफ से तो मदद ये है कि भाई मैं तो इन लोगों को और क्या कर सकती हूँ। मैंने 11,000 रुपये इनको नगद मदद की कोशिश करी है, बाकी इनके खाने पीने का सामान सब लाई हूँ और दाल चावल, आटा चावल, चाय पत्ती, चीनी, साबुन, फोल्डिंग चारपाइयाँ, रजाई, गद्दे, चादर सब लाई हूँ मैं, सब इनका घर बस जाएगा। और सरकार से कहती हूँ कि भाई इनको मकान बना के दो, प्रधानमंत्री आवास योजना। अगर आपने एक महीने में ऐलान नहीं किया, और पेपर मिल से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इनके आर्टिफिशियल मकान ना बनाए जाए, और बना दो तो दो कमरे कम से पक्के दो। और अगर आप नहीं बनाएंगे अगले महीने इसी तारीख को मैं यहाँ पर ईंटें गिरवा दूंगी और क्या कहते हैं इनके मकान बनाने शुरू कर दूंगी एक महीने के अंदर। ये तो आक्रोश देख रहे हो ना, कल भट्टी को लोग बता रहे, गाली दी सबने, और ऐसी भाजपा और कांग्रेस के लोग आके फोटो खींच रहे हैं, इनका बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपदा में भी अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको शर्म नहीं आती है। और क्या कहते हैं, मुट्ठी भर भर के आश्वासन देके जा रहे हैं, इनके आश्वासनों की जरूरत नहीं है ना जनता को ना हमको, और ये वापस जाए, और नहीं चाहिए नेता ऐसे हमें। सितारगंज क्षेत्र के ग्राम लोका निवासी सत्येंद्र कुमार पर हुए अत्याचार की जानकारी लेने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से गठित 3 सदस्यीय कमेटी तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में सितारगंज क्षेत्र के लोका गांव में पहुंची। वहीं कांग्रेस पार्टी की 3 सदस्यीय कमेटी ने ग्राम लोका पहुंचकर सत्येंद्र कुमार के परिवार का हालचाल जाना और घटना के बारे में जानकारी ली है। वहीं सत्येंद्र कुमार के परिवार ने कांग्रेस पार्टी की 3 सदस्यीय कमेटी को रो रोकर सत्येंद्र कुमार पर हुए अत्याचार के बारे में बताया है। कांग्रेस पार्टी की कमेटी समेत कार्यकर्ताओं ने सत्येंद्र के परिवार को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी सत्येंद्र कुमार के परिवार के साथ हमेशा खड़ी है और उनको न्याय दिलाने के लिए सरकार पर दबाव भी बना रही है। तस्वीरें सितारगंज से आप देख रहे हैं। तिलक राज बेहड़ गाँव पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता और यहां पर परिवार का हालचाल जाना है, परिवार को सांत्वना भी दी है। दरअसल कुछ दिनों पहले कुछ तस्वीरें सामने आई थी जहां पर सत्येंद्र कुमार नामक एक युवक के साथ ज्यादती की गई थी, जिसके बाद ये 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से, जो परिवार से मिलने के लिए पहुंची है।
सितारगंज क्षेत्र के ग्राम लोका निवासी सत्येंद्र कुमार पर हुए अत्याचार की जानकारी लेने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 सदस्य कमेटी तिलकराज बिहड़ के नेतृत्व में सितारगंज क्षेत्र के लोका गांव में पहुंची है। वहीं कांग्रेस पार्टी की 3 सदस्य कमेटी ने ग्राम लोका पहुंचकर सत्येंद्र कुमार के परिवार का हालचाल जाना, घटना के बारे में जानकारी भी ली है। सत्येंद्र कुमार के परिवार ने कांग्रेस पार्टी के 3 सदस्य कमेटी को अपनी जो पूरी गाथा है वो सुनाई है। यहाँ पर भावुक होते हुए भी ये लोग नजर आए हैं। सत्येंद्र कुमार पर हुए अत्याचार के बारे में बताया। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है। जिस तरह से सत्येंद्र की गिरफ्तारी हुई है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको जेल भेज दिया गया है, कई लोगों के खिलाफ FIR हुई है, पूरे गाँव के अंदर दहशत का माहौल है। महिलाओं को मारा गया, गिरफ्तारी के समय पीटा गया, थाने में 3rd degree टॉर्चर किया गया सत्येंद्र को। इसकी सारी आज जो लोगों से बातचीत हुई है, मैंने लोगों के बयान दर्ज किए हैं, लोगों से बातचीत की है, हम इसको अपने हाईकमान को भेजेंगे। जिस तरीके से पुलिस का व्यवहार है, और एक दिन पहले बिना महिला पुलिस के जो यहाँ आक्रमण किया, मैं तो कहूँगा आक्रमण ही किया है, और जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया है, ये सब समाज में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मेरा इसमें ये कहना, ये बहुत शर्मसार घटना हुई है। ऐसी महिलाओं, एक गर्भवती महिला को उसको मारा गया, पेट में उसका बच्चा है, उसको गिराया गया ज़मीन पर, और वो बहुत दिन तक परेशानी में रही। और लड़कियों पर, और जैसे कि पुरुष पुलिस ने लड़कियों पर हाथ लगाया और उनको मारा पीटा, ये कहाँ का कानून है। चमोली में ज्यादा बारिश से जगह जगह क्षतिग्रस्त पड़े निजबुला घाटी के पैदल रास्ते को ग्रामीणों ने श्रमदान कर दुरुस्त कर दिया। ग्रामीणों ने सामूहिक प्रयास से फावड़े, कुदाल समेत तमाम सामग्री इकट्ठा कर पैदल रास्ते को दुरुस्त कर दिया है। कहीं पुश्ते लगाए गए हैं तो कहीं मलबे का निस्तारण किया गया। 18 और 19 अक्टूबर को हुई बारिश से निजबुला घाटी के पाणा गांव में पैदल रास्ता तहस नहस हो गया था, जिससे ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही थी। ग्रामीणों ने रास्ता टूटने से हो रही दिक्कतों को देखते हुए प्रशासन का मुंह ताकने के बजाय खुद रास्ता बनाने की ठान ली है, और अब गाँव के लोग आसानी से उस पर गुजर रहे हैं। चमोली की तस्वीरें, गांव के लोगों ने खुद दुरुस्त किया सड़क मार्ग। दरअसल 18 और 19 को जिस तरह से बरसात हुई थी, ऐसे में पाणा गांव का जो रास्ता है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसे में प्रशासन की तरफ से तो कोई मदद नहीं मिली, लेकिन ग्रामीणों ने खुद ही श्रमदान कर रास्ता खोज निकाला है, एक बार फिर से इस रास्ते को दुरुस्त कर दिया है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में शाम के समय मौसम बदलते ही बर्फबारी शुरू हो रही है। धाम में ये दूसरी बार की बर्फबारी हो चुकी है, जिससे धाम में 2 इंच तक बर्फ जमी हुई है। केदारनाथ पहुंच रहे तीर्थयात्री बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, और बर्फबारी में लाइन में लगाकर बाबा के दर्शन का इंतजार भी कर रहे हैं। वहीं मौसम साफ होने के बाद लोक निर्माण विभाग के मजदूर बर्फ को साफ करने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मनमोहक ये तस्वीरें। बर्फबारी के बाद 2-2 इंच तक बर्फ जम चुकी है। जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, जो तीर्थयात्री यहाँ पहुँच रहे हैं, वो बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर दुर्गा शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झाला पट्टी उपला तकनौर तहसील भटवाड़ी में बहुउद्देश्य विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव की तरफ से बताया गया है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार शिविर और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कोई भी व्यक्ति निर्धनता या फिर विधिक जानकारी के अभाव में न्याय पाने से वंचित ना रहे, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य लगातार कर रहा है। उत्तरकाशी की तस्वीरें, न्याय पाने से वंचित ना रहे, इसको लेकर ये शिविर यहां पर लगाया गया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आपदाग्रस्त रपुरा खेड़ा मुखर्जी नगर जगतपुर क्षेत्र का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 महीने के लिए कागजात में ढिलाई देने के निर्देश जारी कर दिए। इसके अलावा आपदा को देखते हुए अब नए बैच को आपदा की एडिशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। DGP अशोक कुमार ने बताया कि एक के बाद एक आपदा को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि अब नए बैच को एडिशनल आपदा की ट्रेनिंग कराई जाए।
रुद्रपुर की तस्वीरें, सभी पुलिसकर्मियों को एक खास ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल रुद्रपुर पहुंचे पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, एक बैठक की है यहाँ पर। बैठक के बाद तमाम दिशा निर्देश दिए हैं कि जिस तरह से एक के बाद एक आपदा आ रही है, ऐसे में सभी पुलिसकर्मियों को आपदा के समय किस तरह से राहत बचाव का काम किया जाए, ये ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए, मैं सोचता हूँ इस पूरी आपदा में जो हमें एडवांस नोटिस मिला 24 घंटे का, उसका बहुत बड़ा फायदा हमको मिला। हमने पुलिस को सब जगह अलर्ट भेज दिया, लोगों में सब जगह जागरूकता फैलाई कि ऐसी आपदा संभावित है, रेड अलर्ट है, कृपया करके अभी चार धाम न आए, कृपया करके अभी नैनीताल अल्मोड़ा रानीखेत न आए। तो उसका असर ये हुआ कि हमने बहुत से लोगों को ऊपर चढ़ने से रोका, जो आंकड़ा हमारा 65,000 बनता है। और दूसरा, जो लोग फंसे हुए थे उस पर हमारी टीमें समय से पहुंच गई, हर जगह पे हमने टीमों को पहुंचा दिया रातों रात, तो जिससे कि हमें इवैक्यूएशन आसानी से हो सका। जो फंस गए तो उनको टाइम से निकाल दिया गया, जैसे कि शारदा बैराज है, उसका जल स्तर जो ही खतरे के ऊपर गया, हमने 3,000 लोगों को इवैक्यूएट कराया वहाँ से, नहीं तो वो कैजुअल्टी हो सकती थी। गोला के नीचे है जवाहर नगर, सब जगह टाइमली, उधमसिंह नगर में कितना पानी का लेवल बढ़ता गया, किंतु टाइमली हमारी टीमें पहुंच गई, पुलिस की, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, पीएसी की। पिछले दिनों डबल रेड अलर्ट में ज्यादा बारिश के दौरान पिंडरी घाटी के नारायण बगड़ ब्लॉक में पानी की खराब लाइन ठीक करने गए गांव के दो युवक पानी की लाइन ठीक करते वक्त अचानक पहाड़ी ढहने से हजारों टन मलबे के नीचे दब गए। इस घटना की सूचना ग्रामीणों ने प्रशासन को दी। प्रशासन ने भी तत्परता दिखाते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सहित रेगुलर पुलिस, राजस्व विभाग की टीमों को राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात किया। इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री ने भी डूंगरी गांव पहुंचकर लापता युवकों के परिजनों से मुलाकात कर प्रशासन को निर्देश दिए कि राहत और बचाव कार्य में कोई भी कोताही नहीं बरती जाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी 7वें दिन कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं दोनों युवकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मलबे की भारी मात्रा को देखते हुए प्रशासन ने देहरादून से डॉग स्क्वाड की टुकड़ी को भी घटनास्थल पर भेज दिया है। नैनीताल में एनसीसी कैडेट ने भारत का अमृत महोत्सव जागरूकता अभियान चलाकर सफाई अभियान शुरू किया। इस दौरान करीब 80 यूके बटालियन, एनसीसी, डीएसबी कॉलेज नैनीताल और राजकीय पॉलिटेक्निक नैनीताल के कैडेट की तरफ से नगर की जनता को जागरूक करने के लिए नगर के कई स्थानों पर साफ सफाई अभियान चलाया गया है। यहाँ बता दें कि भारत के अमृत महोत्सव जागरूकता अभियान के तहत ये कार्यक्रम 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लगातार चलता रहेगा। नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो यहाँ पर सफाई अभियान चला रहे हैं। दरअसल भारत का अमृत महोत्सव जागरूकता अभियान चल रहा है, जिसके तहत ये सफाई अभियान चलाया गया। यूके बटालियन, एनसीसी, डीएसबी कॉलेज नैनीताल और राजकीय पॉलिटेक्निक नैनीताल के कैडेट्स की तरफ से नगर की जनता को जागरूक करने के लिए नगर के कई स्थानों पर साफ सफाई अभियान चलाया गया है। आपको बता दूँ कि भारत के अमृत महोत्सव जागरूकता अभियान के तहत ये कार्यक्रम 25 अक्टूबर से, यानी कि आज से शुरू हुआ है और 31 अक्टूबर तक लगातार चलता रहेगा। ऐसे में तमाम जो कैडेट्स हैं वो लोगों को जागरूक तक करेंगे, साथ ही साथ जो सफाई अभियान है उसको भी लगातार प्रमुखता देंगे। चमोली में पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत ने जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा है कि बीते 2 सालों से जिला पंचायत के अंतर्गत कार्य करने वाले ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके चलते ठेकेदार परेशान हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के पति पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी जिला पंचायत के कर्मचारियों पर दबाव बनाकर मानकों के विपरीत कार्य करवा रहे हैं, जिससे जिला पंचायत चमोली आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पंचायत उपाध्यक्ष ने रजनी भंडारी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में जबरन काम भी जो कर्मचारी हैं उनसे करवाया जा रहा है, उनका वेतन भी नहीं दिया जा रहा।
चमोली के ब्लॉक थराली में ग्राम पंचायत डोंगरी के निचले हिस्से से लगातार हो रहे भूस्खलन से ग्रामीण परेशान हैं। ग्राम प्रधान दीपा मिश्रा ने जिला प्रशासन से लेकर राजस्व विभाग के अधिकारियों को गांव का स्थलीय निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और क्षति का आंकलन करने की मांग की। ग्राम प्रधान दीपा मिश्रा ने कहा है कि गाँव गाँव में जगह जगह से जमीन खिसक रही है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। ग्राम प्रधान ने क्षेत्रीय पटवारी से गाँव में स्थलीय निरीक्षण करने की मांग की है। कहा है कि बारिश होने पर ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों में शरण लेने को मजबूर नजर आ रहे हैं। चमोली की तस्वीरें आपको बता दें कि बीते दिनों हुई भारी बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ग्रामीण दहशत में हैं और अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। तो चमोली की तस्वीरें आप देखेंगे, डोंगरी के निचले इलाकों में लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में तमाम गांव ऐसे हैं जो इस वक्त सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। भूस्खलन का खतरा लगातार मंडरा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण दहशत में हैं, अपने घरों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं। ग्राम प्रधान दीपा मिश्रा लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको मदद पहुंचाई जाए। हरिद्वार में हिल बाईपास रोड पर पेड़ से लटकता शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सीओ सिटी अभय प्रताप सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव लगभग 20 दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हरिद्वार की तस्वीरें, पेड़ से लटका युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो हरिद्वार से तस्वीर सामने आई, जहां पर रास्ते में पेड़ पर लटका एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने जैसे ही शव देखा सूचना पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची है, शव की शिनाख्त की है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि शव लगभग 20 दिन पुराना है, ये हत्या है या आत्महत्या, इसको लेकर भी लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।